Hello everyone. Can anyone tell me how to increase the time limit? Because I am not very comfortable using Zoom. I more or less used Google Meet. So if you all are comfortable, can we have classes on Google Meet? No, sir. Here is now it is good. No, actually, that is a 40 limit, 40 minutes time limit, I guess. वो अपने आप बंद हो गया. So there is a one more app, Jitsi. Jitsi Meet. Okay, तो हम ये कर सकते हैं कि 40 minutes का ले सकते हैं, या फिर मैं Google Meet पे class लेना शुरू कर दूँ कल से, because उसमें time limit का कोई issue नहीं होता. अगर आप लोगों को कोई Zoom में फिर दोबारा join किया करेंगे. तो एक काम करते हैं, फिर कल से 40+20 कर लेते हैं. हाँ जी, हाँ सर, ऐसे करते हैं. I'm extremely sorry, मुझे पता नहीं था. Actually मैं Zoom बहुत use नहीं करता, तो sorry for the issue. चलिए, हम principles की बात कर रहे थे, उसी को continue करते हैं. 15 मिनट अभी मैं आपका और लूंगा, ठीक है? तो ये विजिबल है सबको? यस सर, यस सर. ओके, तो हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, ठीक है? प्रिंसिपल्स ऑफ क्लास खत्म हो गई. सॉरी सर, मेरा कट मेरा दो बार कट गया. अब नहीं होगा एक्चुअली. मैं वो नहीं, नेट और आप उसका चिंता मत कीजिए. दी क्लासेस आर रिकॉर्डिंग, क्लासेस आर बीइंग रिकॉर्डेड. तो दूसरी चीज ये है कि वो कल से मैं दो मीट शेयर करूंगा आपके साथ, एक 40 मिनट की और एक 20 मिनट की, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? वो एक्चुअली मैं मुझे Zoom का आइडिया नहीं था, बट आज हो गया, तो आई विल मेक श्योर कि कल से ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू. ओके, तो हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, तो फटाफट अगर हम बोलें तो शॉर्ट में लिखूं अगर, तो ये वॉलंटरी और ओपन मेंबरशिप होती है, ठीक है? ठीक है, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप का मतलब, अगेन फिर से अगर आप रिवाइज करें, कि जो मेंबरशिप होती है वो बेसिकली ओपन होती है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको शेयर किया जाता है. तो और जो कंट्रोल होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, बेसिकली जो भी डिसीजन है वो कलेक्टिवली लिया जाता है. इसके अलावा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो होता है वो भी इक्वल रखा जाता है. हर बंदे का रोल जो है वो कोऑपरेटिव को चलाने में बेसिकली इक्विटेबल रखा जाता है, ताकि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओनर एंड वर्कर. हाँ, जो लोग बाहर से कोऑपरेटिव में काम करने आते हैं उनकी बात अलग है, ठीक है? उनको तो कोऑपरेटिव जो है वो पैसे देती है एज अ सैलरी, बट जो कोऑपरेटिव मेंबर्स होते हैं उनका जो नेचर होता है जनरली वो इक्विटेबल होता है. इट इज लाइक एवरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज इक्वल, ठीक है? वो तो हम उसमें बना देते हैं कि ये पक्ष में है ये विपक्ष में है, बट अगर आप एज अ पार्लियामेंटेरियन देखेंगे तो राहुल गांधी और मोदी जी के जो राइट्स हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बराबर हैं. बस फर्क ये है कि ही बिलोंग्स टू एन अपोजिशन पार्टी एंड ही बिलोंग्स टू दी मेजॉरिटी पार्टी. वहां से गवर्नमेंट में रोल चेंज हो जाता है, बट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके राइट्स बराबर होते हैं, ठीक है? इसके अलावा ऑटोनॉमी होती है लोकल लेवल पे. जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, उनके ऊपर किसी इन्वेस्टर का या किसी और मार्केट का, इन सब चीजों का कोई प्रेशर नहीं होता, और प्रेशर ना होने की वजह से वो लोकल लेवल पे अच्छे तौर पे काम करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है मेंबर्स को, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर कर सके, वो सारा काम भी कोऑपरेटिव्स खुद ही हैंडल करते हैं. इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो कोऑपरेटिव्स करते हैं वो होता है कोऑपरेशन विद इन दी कोऑपरेटिव्स, कि किस तरीके से वो दूसरे कोऑपरेटिव्स के साथ मिलके उसको चलाते हैं, ठीक है? ये जो इंटर एजेंसी
बेसिकली कोऑर्डिनेशन है, इसकी वजह से कोऑपरेटिव्स जो है वो 21st सेंचुरी का नीड बन गए हैं। क्यों नीड बन गए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, वो है कोऑपरेटिव्स का कंसर्न कम्युनिटी के लिए। अच्छा, वो वाला मीट जो एंड हुआ था उस समय हम एनजीओस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आपने आप में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर एनजीओस और कोऑपरेटिव्स में क्या फर्क होता है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि एनजीओस जो जी मैं अलाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन यस 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 यू कैन इफ यू आर गुड फेलो विल अलाउ मी सर या बिल्कुल So far as my little knowledge is concerned, my understanding is concerned, these are two different terms. Yes. The term cooperative is very wide. Yes. It is a very wide. Yes. The expression cooperative is very wide. Yes. And the term NGO, the scope of NGO is limited. Yes. Where the main purpose, objective, goal of cooperative is economic, social, and cultural growth. Yeah. Sometimes cooperatives may work for the welfare of the people. Yes. Sometimes they may work for profit. Yes. Yes. So job is very wide. Yes. Term is support is very wide. Yes. And yes. The job of NGO is very limited. Yes. That is very limited. Fixed. We cannot say NGO and cooperative are same. These are two different terms. Thank you, sir. Thank you. Very good. इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। That means there is no sustainable development in NGO sector. I'll tell you, NGOs development के लिए नहीं होते। आपने kindly allow students at the end of session for discussion. Okay sir, I will allow. Okay sir, thank you. Give me 2-3 minutes to finally इसको मैं summarize कर दूं, फिर उसके बाद आखिरी के 5 मिनट आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आप लोगों ने जैसा बोला बिल्कुल ठीक है, एनजीओस जो होते हैं वो प्रेडोमिनेंटली सोशल वर्क के लिए होते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, सर सैयद अहमद खान, दादा भाई नेहरूजी, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये खान अब्दुल गफ्फार खान, वो एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खुदाई खिदमतगार करके सोसाइटी चलाते थे। तो वो क्या है, वो एनजीओज हैं। या आज के टाइम पे जो एनजीओज हैं जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, बिल गेट्स और उनकी वाइफ जो एक्स वाइफ है उन्होंने मिलके एक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, या नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन चलाती है, या टाटा ग्रुप अपना टाटा फाउंडेशन चलाता है, ये एनजीओज हैं। ये एनजीओज जो है वो प्रिडोमिनेंटली यस फ्रंटियर गांधी प्रिडोमिनेंटली एनजीओज रिलीफ वर्क करते हैं, सोसाइटी में एजुकेशन प्रोवाइड कराना, हंगरी लोगों को खाना खिलाना, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना। लेट्स से कि बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो विमेन को घर पे एम्पावर करने के लिए उनको स्वीइंग मशीन या सिलाई मशीन प्रोवाइड कराते हैं, या विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो घर के लेवल पे, या छोटे छोटे रिलीफ वर्क करते हैं वो उस तरीके से सोशल अगेंस्ट सम सोशल इविल्स आल्सो सर। यस, ड्रग एडिक्शन। हां, जैसे ड्रग एडिक्शन, हां जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई, या यस सर, या बेसिकली आपके पॉलीगैमी हो गई, बहुत सारी चीजें। तो और वो हर सोसाइटीज में होती हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। हमारी खास करके जो इंडियन सोसाइटी है वो इतनी वास्ट है और इतनी बेसिकली डाइवर्स है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी कि ये सारी चीजें होती हैं। तो एनजीओज, अच्छा दूसरी खास बात एनजीओज की क्या होती है, एनजीओज आर प्रेडोमिनेंटली सोशल वर्क प्रोवाइडेड। सर फिर हम क्या ये कह सकते हैं सर? हाँ जी बोलिए। एनजीओ जो है ये सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं? हाँ जी, सोशल रिफॉर्म, सोशल रिबिल्डिंग, रिफॉर्म थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाएगा बट सोशल रिबिल्डिंग आप कह सकते हैं, रिफॉर्म भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी खास बात आपको हमेशा याद रखनी है, एनजीओ जो होते हैं वो हमेशा टाउन से विलेजेस की तरफ ट्रेवल करते हैं, यानी कि एनजीओ के जो फाउंडिंग मेंबर्स होंगे वो बेसिकली वो मिडिल क्लास होगा या वो एलीट होगा, एलीट क्लास होगा, जो बेसिकली जिन्होंने पढ़ा सीखा और अब वो अपना सोशल वर्क करना चाहते हैं,
तो उसके लिए उन्होंने एनजीओ बना लिया और वो एनजीओ दूर दराज के इलाकों में जाके रिलीफ वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है एक एनजीओ का। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव्स का ओरिजिन उन इलाकों के, जिन इलाकों में वो प्रॉब्लम है या जहां की वो नीड है, वो वहीं पे होता है और फिर उसके बाद वो बाहर की तरफ ग्रो करता है। जैसे अमूल, अमूल नेशनल लेवल पे आज आया है, लेकिन जब अमूल की शुरुआत हुई थी तो वो उस आनंद डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से हुई थी और फिर वो वहां से बाहर की तरफ फैला। तो दोनों में फर्क है। कोऑपरेटिव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से सोशल डेवलपमेंट होता है। एनजीओज में इसका उल्टा होता है, सोशल रीबिल्डिंग की वजह से जो प्रोस्पेरिटी या लोगों के बीच में समझ बनती है उससे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे विमेन एम्पावरमेंट के लिए एनजीओज ने चार गांव पकड़े एक एनजीओ ने और वहां पे विमेन को एजुकेट कर दिया। उनके एजुकेशन मिलने की वजह से वहां से निकल के कुछ विमेन काम करने चली गई तो उनके रिस्पेक्टिव फैमिलीज में जो प्रॉफिट आया वो उस सोशल वर्क की वजह से आया। लेकिन कोऑपरेटिव्स बेसिकली इकोनॉमी और सोशल बेसिकली इश्यूज को साथ साथ लेके चलते हैं। जैसे अमूल का मैं एग्जांपल दूं तो अमूल में क्या है, अमूल में क्या होता है, अमूल में ये है कि अमूल पहले डेयरी के तौर पे शुरू हुआ, अब उन उसी कोऑपरेटिव ने अपने मेंबर्स का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए ताकि वहां पे उन मेंबर्स के बच्चे या वहां के वो लोग अपना जाके बेसिकली इलाज वगैरह करा सके। तो कोऑपरेटिव्स के अंदर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। एनजीओज जो है वो बेसिकली पर्टिकुलर इविल या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बेसिकली उसका उसको टारगेट करते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव्स जो होते हैं वो बड़े लेवल पे काम करते हैं और बड़े लेवल पे उनका काम रिलीफ वर्क का नहीं होता, उनका काम आइदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है, प्रिडोमिनेंटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, या फिर सोशल लेवल पे लोगों को साथ लाके कुछ बड़ा काम किया जा सके। ठीक है, तो उनका हर बार आइडिया सोशल रिकंस्ट्रक्शन का नहीं होता, लेकिन एनजीओस की शुरुआत ही सोशल रिकंस्ट्रक्शन से होती है। आई होप आपको समझ आया दोनों में फर्क। ओके सर, यस सर, पक्का? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, नो सर। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों के लिए फ्लोर खुला है, आपको कुछ भी पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो बताइए। सर ये जो कॉपरेटिव है इसमें तो फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं सर? हाँ जी। और कौन कौन से आते हैं इसमें सर? वो जो सीएसआर है ना सर, सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सीएसआर जो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, वो कंपनीज एक्ट के अंदर आता है, वो एक अलग चीज है। वो सीएसआर होता है कि जिन कंपनीज का एनुअल प्रॉफिट 500 करोड़ से ज्यादा का है या जिनकी कैपिटल वैल्यू 1,000 करोड़ से ज्यादा की है तो वो अपने ग्रॉस एनुअल प्रॉफिट का 2% सोसाइटी के ऊपर खर्च करेंगे, तो वो उसके लिए एनजीओस बनाते हैं, वो एक अलग चीज है। जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप को अंडर द कंपनीज एक्ट बोला गया है कि आपको वो करना पड़ेगा और उसके लिए उन्होंने अपना सीएसआर के अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंदर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने लेवल पे सोसाइटी को, वो एजेंडा होता है गिविंग बैक टू दी सोसाइटी, क्योंकि आप सोसाइटी से रिसोर्सेस पूल करके इतने बड़े हो गए हैं तो अब आपको वो वापस करना है। तो सीएसआर का कॉर्पोरेटिव से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग चीज है। सर करंटली इसको अगर हम कॉर्पोरेटिव जो हम पढ़ रहे हैं अभी इसको करंट अफेयर के साथ अगर हम टच करेंगे तो रिसेंटली क्या हुआ कि जेएंडके में जो डिपार्टमेंट है जेकेपीडीडी, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अभी इसको कोऑपरेटिव के अंडर लिया गया है। सेंटर्स में ऑलरेडी जो इसके डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी अंडर कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं। इसमें क्या आप थोड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं सर, इसमें इन्होंने क्यों इसको कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव्स में क्यों? लेट सर हियर, मे आई अलाउ सर? सॉरी, मे आई अलाउ सर? हां जी। शायद ने सर कोऑपरेटिव नहीं दिया, उन्होंने बनाई कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन एंड कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेशन है एग्जैक्टली, कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटिव, दीस आर टू डिफरेंट वर्ड्स। कॉर्पोरेशन इज अंडर कंपनीज एक्ट
एंड कोऑपरेटिव इज अ डिफरेंट दैट्स दीस आर टू डिफरेंट सर कॉर्पोरेशन बनाने का मतलब तो ये होता है कि गवर्नमेंट दे आर ट्राइंग टू प्राइवेटाइज इट राइट सर कंपनी बनाने का कॉर्पोरेशन इज कॉर्पोरेशन इज कॉर्पोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेटिव सेमी सम सॉर्ट ऑफ सेमी गवर्नमेंट ठीक है कॉर्पोरेशन देखिए मैं बताता हूँ जब भी किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कॉर्पोरेशन में बदला जाता है उसके कई सारे रीजंस होते हैं सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि कंपनी बनने के बाद या कॉर्पोरेशन बनने के बाद जो लायबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट से कंपनी को ट्रांसफर हो जाती है ठीक है दूसरी चीज ये होती है कि फिर उसके बाद उस कॉर्पोरेशन में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो आसान हो जाता है आसान कैसे हो जाता है कॉर्पोरेशन बनने के बाद आप उसके शेयर्स जो हैं वो मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पे ला सकते हैं तीसरी चीज जब भी किसी गवर्नमेंट एंटिटी को कॉर्पोरेशन के तौर पे बनाया जाता है तो सबसे पहली चीज आती है मैनेजमेंट में चेंज आप प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं दूसरी चीज मैनेजमेंट में चेंज होने से जो कॉर्पोरेट बेसिकली उस एंटिटी का जो एजेंडा है वो चेंज हो जाता है ठीक है और सबसे आखिर में जब भी आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कॉर्पोरेशन में बदलता हुआ देखेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म एजेंडा यही होता है कि इसको आगे चल के गवर्नमेंट अपने कंट्रोल से बाहर कर देगी समझ रहे डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में फर्क होता है डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लेट्स से कि मेरे पास एक कंपनी है और मैंने लेट्स से कश्मीर से दिल्ली के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बड़ी कंपनी बनाई और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और मैं अभी उसका प्राइमरी शेयर होल्डर हूँ मतलब मेरे पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं पूरे शेयर मेरे पास है डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होगा कि मुझे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इस नेटवर्क को ग्रो करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे कुछ आउटसाइड हेल्प भी चाहिए तो मैंने क्या किया मैंने बोला कि मैं अपनी कंपनी के 10% शेयर्स मार्केट में उतारता हूँ जिसको खरीदना है खरीद ले इससे क्या होगा इससे ये होगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिल जाएगा और जो दूसरे लोग हैं उनका एक्सपर्टीज भी मेरी कंपनी में बाहर से आ जाएगा तो जब हम मैं लिमिटेड क्वांटिटी में अपने शेयर्स मार्केट में उतारता हूँ इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट जिसे डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी भी 90% शेयर तो मेरे पास है प्राइवेटाइजेशन या फिर बेचना जिसको आप बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि लेट्स से कंपनी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरी शेयर होल्डर है अब अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट बोलती है कि मैं 5% शेयर्स डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हमें 5% शेयर मार्केट में उतार रहे हैं 10,000-5,000 करोड़ जो भी उसकी वैल्यू है खरीद लो गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा और जो कंपनीज हैं या जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है तो सिक्योरिटी है आगे चल के अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है जी हम स्टेट बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट अपने मेजोरिटी शेयर्स जो है वो किसी एक पार्टी को ट्रांसफर कर दे तो ये फर्क याद रखिएगा प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में हर बार डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं किया जाता लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने अपना डिसीजन मेकिंग पावर किसी और को दे दिया जैसे एयर इंडिया को बेचने की बात हो रही है वो बेचने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर देगी जो भी खरीदेगा ठीक है डिसइन्वेस्टमेंट बहुत सारी कंपनीज करती हैं ताकि मार्केट से फंडिंग ले सके लेकिन प्राइवेटाइजेशन या चेंजिंग ऑफ ओनरशिप एक्सट्रीम मेजर होता है जिसमें आप अपनी कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसी और को दे देते हैं समझ आया यस सर एग्जैक्टली और किसी को कोई सवाल एनीवन एल्स सर करंट अफेयर्स के बारे में थोड़े कुछ बताइए करंट अफेयर्स के बारे में करंट अफेयर्स कोऑपरेटिव्स पे कोऑपरेटिव के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स में अभी जैसे आपने देखा होगा पेटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने अमूल के ऊपर वो किया कि जी अमूल बंद होना चाहिए पढ़ा होगा आपने पढ़ा था किसी ने यस सर ये हो गया या इसके अलावा पढ़ा नहीं था बस देखा था अच्छा देखा था तो उसमें पेटा के लोगों ने बोला जी अमूल बंद होना चाहिए क्योंकि इसमें ना एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं एनिमल्स को बांध के रखा जाता है तो अमूल ने बोला भाई इसको बंद कर देंगे तो हमारे लाखों मेंबर्स का क्या होगा
तो ये कंट्रोवर्सी है कोऑपरेटिव से रिलेटेड. दूसरा ये है कि गवर्नमेंट अमूल के मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद एक सेकंड व्हाइट रेवोल्यूशन की तैयारी कर रही है, तो डेयरी सेक्टर में काफी ज्यादा कोऑपरेटिव्स को प्रमोट किया जा रहा है ताकि दोबारा से जो इंडिया में बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन है उसको चैनलाइज किया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं मिल्क वगैरह ये सब काफी वेस्ट होता है. इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर में गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एम्पावर इफकी, जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर एसोसिएशन है उसको भी वो कर रहे हैं. इसके अलावा अभी आपने ये जो नए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो नए लॉज आए हैं उसमें भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स में भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं. तो इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं, इनको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो होगा, देखते रहिए. और पैंडेमिक के केस में खास तौर पे जो लोकल लेवल पे कोऑपरेटिव्स हैं उन्होंने काफी काम किया है. जैसे आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व लोग हैं उनके भी नए नए कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट काफी इंसेंटिवाइज कर रही है ताकि जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक पहुंचाया जा सके. बिकॉज 40% जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें आते हैं, वो खराब हो जाते हैं इंडिया में, वो मार्केट तक नहीं पहुंचते. तो इन सब चीजों को बेसिकली इंसेंटिवाइज किया जा रहा है और उसमें एक बहुत बड़ा रोल इन कोऑपरेटिव्स का भी है. दूसरा, आपने देखा होगा कि नाबार्ड के थ्रू और मुद्रा स्कीम के थ्रू काफी बड़े लेवल पे कोऑपरेटिव्स के थ्रू लोगों को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. हाँ, लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशन मिल रहा है ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. तो ये सारी चीजों पे आप थोड़ी नजर रख सकते हैं कोऑपरेटिव से रिलेटेड. और किसी को कुछ पूछना है? नो सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर. यस sir, as you rightly said, cooperative is an autonomous body and independence. It means there is no government interference. No, it does not mean that there is no government interference. Aap India mein rehte hain to government interference to hoga. Sir, government interference is only with respect to the legislation. Government can enact the legislation with respect to the cooperative. Yes. But there should be an independence among the members. Yes. As you have rightly said, one person, one vote. Yes. Sir, can we said cooperatives can come within the definition of state under Article 12? Can we say this is a state under Article 12? No. Depends upon the kind of job they are doing. A state, jo Article 12 ki aap baat kar rahe hain, वो स्टेट की डेफिनेशन में तब आते हैं जब वो गवर्नमेंट से इन्वॉल्व होते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कौन से आएंगे. जैसे मान लीजिए मैंने कोऑपरेटिव बनाया और मेरा कोऑपरेटिव गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, देन इट इज रिलेटेड टू स्टेट. क्योंकि आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में हर वो ऑर्गेनाइजेशन आती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से जुड़ी होती है. लेकिन अगर कोई लेकिन हर कोऑपरेटिव उस स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा. कोऑपरेटिव्स वही स्टेट की उस डेफिनेशन में आएंगे जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं. बिहाफ पे काम करने का मतलब या तो उनके मैनेजमेंट में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या तो उनको फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड फंडिंग कर रही है. अगर फंडिंग आर होली हाँ, या तो गवर्नमेंट इकोनॉमिकली इन्वॉल्व है या तो गवर्नमेंट आपकी बैकडोर इन्वॉल्व है. नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. थैंक यू सर, थैंक यू. और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? थैंक यू सर. सर आई वांट टू से समथिंग. यस सर. आई थिंक कोऑपरेटिव इज अ वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स फॉर सेल्फ हेल्प कैटरिंग टू द फाइनेंशियल नीड्स ऑन म्यूचुअल बेसिस. इज दिस करेक्ट और वी कैन से दैट करेक्ट? इट इज करेक्ट. इन रूरल फाइनेंस वी मीन दैट द cooperative means the reaching the last man in the last village. Yes. Last man in the last village. Yes. Isn't that right? Yes. Yes. अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ. Cooperative का एक example आप शहरों में भी देख सकते हैं. Apartments में RWAs होते हैं, Resident Welfare Association. Yes, sir. वो भी एक तरीके का cooperative होता है. उसमें क्या होता है? सारे लोग जो उस apartment society में रहते हैं, वो सब मिलके अपना management खुद चलाते हैं. Yes, sir. तो वो भी एक तरीके का कोऑपरेटिव है. उसको बोलेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. सर
is this come under the Cooperative Society Act 1904? Cooperative Societies Act 1904 जो है वो अंग्रेजों ने बनाया था, उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू किया है उसको, लेकिन हमने अब हटा दिया है, अब उसकी जगह पे हम अलग-अलग लेजिस्लेशंस के थ्रू कोऑपरेटिव्स को कंट्रोल करते हैं। रूरल एरियाज में जो कोऑपरेटिव्स हैं वो रिस्पेक्टिव रूरल जो लेजिस्लेशर्स हैं उसके थ्रू चलते हैं, और जो शहरों में कोऑपरेटिव्स काम करते हैं जैसे, तो प्रिडोमिनेंटली इसके लिए स्टेट लेवल पे सोसाइटीज एक्ट होते हैं जिसके थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है। जैसे आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताता हूँ, बीसीसीआई जो है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इट इज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर तमिलनाडु एक्ट। यस सर वो जो रिसेंटली सर वो केस गया था सर सुप्रीम कोर्ट तक, तो उन्होंने मना कर दिया डायरेक्शन। यस सर, उन्होंने डायरेक्शन की है सारे जितने भी ये स्टेट एसोसिएशन है उनको डायरेक्शन हुई है कि जितने भी वहां पर क्लब्स है उनको पहले रजिस्टर करना है अंडर सोसाइटीज एक्ट। यस, ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो इंडियन टीम है जिसको आप विराट कोहली से लगाकर और जहीर खान तक, ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करते, वो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नेशनल टीम नहीं है क्योंकि वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर नहीं आती। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, दैट इज व्हाई आई हैव पोस्ड दिस क्वेश्चन वेदर इट इज अ स्टेट आर नॉट, बिकॉज द कांसेप्ट ऑफ स्टेट इज वेरी वाइड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नहीं, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है इसमें। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जब चीजें लिखी जाती है ना तो वाइडेस्ट पॉसिबल सेंस में लिखी जाती है, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग फॉलो करेंगे ना तो स्टेट का डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी कि या तो गवर्नमेंट का काम कर रही है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, या गवर्नमेंट से फंडिंग ले रही है, या गवर्नमेंट उसमें मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, वही ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्टेट के अंडर आएगी। राइट सर ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोऑपरेटिव्स ने एसबीआई से लोन ले लिया तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आ गई, नहीं। यस सर, इनका मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्वड है। राइट सर, एक इसमें बहुत सिंपल सा एक केस था, सेंट स्टीफेंस वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की जब आप बात करते हैं तो सेंट स्टीफेंस ने बोला जी मेरा तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आर्टिकल 30 में प्रोटेक्टेड है, हम तो गवर्नमेंट के अंडर आते ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप आते हैं गवर्नमेंट के अंदर क्योंकि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की है, रिकॉग्निशन आपको गवर्नमेंट से मिला, आपको फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है, आप यूजीसी में आते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप रिजर्वेशन नहीं देंगे। राइट सर, राइट। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको ये याद रखना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की डेफिनेशन में तभी आएगा जब वो उस स्टेट के पैरामीटर्स को फुलफिल करेगा। यस सर, क्योंकि सर मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पोस्ट किया था दो दिन पहले, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड एट दैट टाइम, कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारा स्टेट लिस्ट है ये स्टेट लिस्ट में आता है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था सर, मेरा डिफरेंट व्यू पॉइंट से मेरा क्वेश्चन था। आप आर्टिकल 12 के अंदर पूछ रहे हो ना कि जी स्टेट में आएगा कि नहीं आएगा। यस सर राइट सर सर, सर आई वांट टू आंसर दिस ब्रदर सर, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सर अगले क्लास में इसको मैं आंसर नहीं है, अगला क्लास है ना आप लोगों को 8 बजे से, सर वी हैव अ क्लास एट 8 PM। अच्छा चलो फिर मैं एंड करता हूं, मैं इसका नोट मैं आपको अभी शाम तक WhatsApp पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं आपसे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।